रिश्तेदारों में शादी ये देख के ना करना। ये आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना का पुजारी कर देती है ये चीज। या रसूलल्लाह क्या देखे? फरमाया जब भी देखना दीन देख के शादी करना। अगर दीन देख के शादी करोगे दीनदार औरत से तो कम अज कम तुम्हारे घर में पर्दे का रिवाज तो रहेगा, कम अज कम तुम्हारी बेटियों के गुनाहों पर पर्दा थोड़ी डालेगी। मशवरा दिया मेरे नबी पाक ने, फरमाया शादी करो। आप कंजूस के पास चले जाएं, कहें मैंने सदका देना है, वो कहेगा भाई सारे बंदे ही फ्रॉड हैं, ये जितने खैरात मांगने वाले हैं सब कोठियों वाले अमीर हैं, बिल्कुल ना देना किसी को भी, क्योंकि खुद कंजूस है बेचारा। ये मस्जिद नहीं बन रही है, कंजूस आदमी से मशवरा कर लिया या चंदा दे दूं, उसने कहा पहली मस्जिदें भरी नहीं जाती, मौलवी ने नहीं शुरू कर दी है, छोड़ो कोई जरूरत नहीं छोड़ो। उसने कहा इस मदरसे से तावुन कर दो, उसने कहा बिल्कुल ना करना, कतन ना करना, मौलवी पढ़ लेके झगड़े करते हैं मुनाजरे करते हैं, बिल्कुल नहीं, इनको पैसे नहीं देने। हमारा हम मशवरा किससे कर रहे हैं? कंजूस आदमी से। सदका देने के लिए मशवरा किससे करना चाहिए? सखी से, सखी से मशवरा करना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास सहाबी आए कुछ मांगने, हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी पाक ने कहा बिलाल कुछ है घर में? हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर घर में तो चार दिन से रोटी कोई नहीं पकी। तो नबी पाक ने फरमाया ये मेरी जीरा उठा, फला यहूदी के पास जा, इसको रख दे वहां गिरवी रहन रख दे, उससे पैसे ले या इसको दे दे, या इस बंदे को कह के फला यहूदी के पास जाए, फला आदमी के पास मेरे नाम पे कर्जा उठा ले। एक सहाबी बोले कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तो हमें पाबंद नहीं करता, आपने हमें बताया है कि चीज हो तो दे दो, मजबूर होने की जरूरत नहीं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? उनकी बात सुनी तो हुजूर के चेहरे पे शिकन आया। करीब एक गुलाम बैठे थे, कहने लगे महबूबा इसको छोड़ें, आप खर्च करें, आप खर्च करते जाए, अल्लाह आपको देता जाएगा। नबी पाक राजी हो गए, फरमाया तूने बड़ी खरी बात की है, तूने बड़ी अच्छी बात, हमने पैसे बचाने होते हैं तो कंजूस के पास चले जाते हैं, क्यों जी करूं कुछ, दीन के बारे में मशवरा करना है तो बुजदिल के पास चले गए, उससे जाके मशवरा लिया, जिहाद पे चला जाऊं मस्जिद जाया करूं, फुला आलिम का सिपा सालार बन जाऊं, का बिल्कुल ना जाना, मौलवी तो मरवा देते, बिल्कुल ना जाना, वहां तो ऐसे होता है बम ब्लास्ट होता है। आप बुजदिल के पास चले गए, आप बुजदिल के पास चले गए, आप वहां क्यों नहीं गए कि एक बीबी चार बेटे लेके हजरत उमर फारूक के पास आई, और जब बेटे सामने खड़े हैं तो वो खातून रसूलुल्लाह की कनीजा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बेटे खड़े करके कहने लगी हुजूर मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि जिसने पुश्त पे तीर खाया मैं उसे बेटा नहीं मानूंगी, मेरा बेटा वही होगा जब जिहाद से वापस लौटेगा तो सीने पे तीर खा के आएगा। तो उनके पास जा, तू किन से मशवरे ले रहा, उनके पास जा। यहां लोग 2.5%, अच्छा फिर सुन ले, 2.5% ज़कात देनी होती है, उस पर भी मशवरा लेते हैं, इनू लग दिए कि नहीं, इनू लग दिए कि नहीं, इस चीज पे आती है कि नहीं, अभी तो मैंने पैसे भी देने हैं थोड़े से। ओ खुदा के बंदे छोड़, तेरा प्रोग्राम ही कमजोर हो गया है। कहते जी वैसे कितना देना चाहिए? मैंने कहा उतना देना चाहिए जितना अबू बकर सिद्दीक दिया करते थे, तवा भी उठा के ले आए रोटी पकाने का, सुई धागा भी ले आए घर से, सर से पगड़ी भी उतार के थैले में डाल ली, और कपड़े भी उतार के बोरिए के पहन लिए। मेरे करीम रसूल सैयद आलम के पास हर चीज रख के कहा हुजूर हाजिर हूं, फरमाया घर भी कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं? कहा हुजूर छोड़ आया हूं, एक खुदा छोड़ आया, दूसरा मोहम्मद मुस्तफा को छोड़ आया। इनसे मशवरा ले, मशवरा करें उस आदमी से जो उस फील्ड में कामयाब है। आप मशवरा उससे कर रहे हैं जो बेचारा पहले ही नाकाम है। तो मुशावरत के लिए हुजूर ने कानून बयान किया, अहल से मशवरा करेंगे, ना अहल से कभी मशवरा। और फिर मशवरा किन चीजों में करेंगे, ये भी एक अहम मौजू है। इस पहलू पर जो शरीयत का वाज़े हुक्म है उसमें मशवरे की जरूरत नहीं, नमाज फर्ज है इसमें मशवरे की जरूरत, जकात फर्ज है 2.5% देनी है इसमें मशवरे की जरूरत, हज फर्ज हो गया तो आप पूछने नहीं जाएंगे साथ वाले से कि क्या माहौल है इस वक्त, गर्मी बड़ी सख्त है, मैं जाऊं कि ना जाऊं, भाई हज फर्ज हो गया, मशवरे की जरूरत, अब यहां जरूरत नहीं है मशवरे की, अब आपको जाना ही जाना है। जो शरीयत का वाज़े हुक्म है जिसमें शरीयत ने कोई बाम नहीं छोड़ा उसमें मशवरे की जरूरत नहीं होती। हम मशवरा उसमें भी मांगने लगते हैं जिसमें मशवरा है ही नहीं, इसमें मशवरे की क्या बात है? मशवरा आप उस चीज में, हां दीन का इलम सीखना फर्ज है बकदरे जरूरत,
इसमें मशवरे की जरूरत है। हाँ, ये मशवरा आप कर सकते हैं कि मैं किससे सीखूं, कौन सी किताब पढ़ूं, ये तो मशवरा आप करेंगे, लेकिन ये मशवरा नहीं, जहां इबहाम होगा वहां मशवरा लेंगे। और फिर मशवरा किससे लेंगे, जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अहल हो, जिसके पास सलाहियत हो, उलमा से, फुकहा से, हिकमत वाले, दानाई वाले आदमी से मशवरा लेंगे। उससे मशवरा लेंगे जो जात सामने रख के मशवरा नहीं देता, जो आपको सामने रख के जो चीज आपके हक में बेहतर है वो आपको बताता है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहल आदमी से मशवरा करने को कहा, नाहल से मशवरा करने से मना किया। अहल आदमी से मशवरा करें जो सलाहियत रखता है मशवरे की। और फिर जब आपसे कोई मशवरा मांगे ना, तब दे, जबरदस्ती मशवरा फटाफट जाके ना कहे मुझे भी पूछो, मेरी भी सुन लो, क्योंकि सुनाने का जमाना है ना, जिस चीज का नहीं पता उसमें भी लोग मशवरा देते हैं। मेरे पास लोग मसाइल पूछने आते हैं, अब तो मुझे बहुत सारी बातों में गुस्सा आ जाता है, थोड़ी थोड़ी तबीयत बाजों का तलील रहने लगती है तो तबीयत अजीब सी हो जाती है। एक साहब आए मेरे पास थोड़े दिन पहले, कुछ खवातीन भी साथ, कहने लगे वल दुआल इनके बाद आमीन नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जी आपको क्या इतराज है, कोई भी दुआ को बंदा मांगता है तो सामने वाला अगर आमीन कह दे तो उसमें कोई अर्ज, और वाला दुआलीन के बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वाला दुआलीन कहे तो मुक्तदियों को आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। मैंने उसे हदीस सुनाई, मुझे कहने लगा जी वो बात आपकी सही है लेकिन कुरान मजीद में वाला दुआलीन के बाद आमीन लिखी नहीं। मैंने कहा यार आप मेरी बात समझे, मैंने आपको थोड़ी कहा कि लिखी है, मैंने कहा नहीं लिखी, लेकिन हुजूर का फरमान है जब इमाम वला दुआलीन कहे तो मुक्तदी आमीन बोलिए, मुक्तदी आमीन कहें, तो कह दिया तो मान जा। कहने लगा जी यहां नहीं लिखा। मैंने कहा आपने कुरान जी सारा पढ़ा है? कहते नहीं, सूरत फातिहा पढ़ी है। मैंने कहा यार तू सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के मुफ्ती बन गया, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के तू फाजल आलिम हो गया बस। अल्लाह के बंदे तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर। कहने लगा जी नहीं, जब तक लिखी नहीं जाएगी मैंने पढ़नी नहीं। मैं कहूं बेहतरीन हाल है कि तू कमरे जो बाहर टुर जा, बेहतरीन हाल है, वरना तेरा इलाज मेरी नजर में कोई और है। अकल ही कोई नहीं, शऊर ही नहीं, जो मर्जी मुंह में आता कहते जाते हो। मैंने कहा कुरान में तो नहीं लिखा हुआ फजर जोर असर मगरब इशा पढ़ो, कुरान में तो नहीं लिखा फजर की दो रखते हैं, जोर की चार, असर की चार, मगरिब की तीन, तो ना पढ़ू ना पढ़ू। ओ खुदा के बंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि रब फरमाता है मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, रास्ता बता दिया थी अल्लाह वातिउ रसूल, जो कुरान में अल्लाह कहे वो भी मानो और बाकी वो मदीने में मेरा महबूब बैठा हुआ है, जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। नमाज फर्ज हुई तो सहाबा ने पूछा हुजूर कितनी पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, रखते कितनी, वुजू कैसे, खड़े कैसे होना है, तो नबी पाक ने फरमाया आओ सल्लू कमार आई तुमूनी उसल्ली, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी पढ़ते जाओ, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी। मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कह गए अजात वजल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। तो मैंने कहा खुदा के बंदे तू, मैं हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, अब नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, दो चार बातें रट ली हैं, उसूल का पता नहीं, लोग आ जाते हैं बैत छेड़ देते हैं। तो याद रखे मशवरा उससे लेंगे जो मशवरे का अहल होगा, जिसके अंदर अहलियत नहीं उससे आप मशवरा, और मशवरा आप तब देंगे जब आपसे कोई मशवरा मांगे। और मशवरा और होता है हुक्म, मशवरा देना चाहिए हुक्म। कहना जे मेरी मरनी नहीं थी तो मैंने सदिया क्यों सी, वाह जी वाह, ए गल आम है कि नहीं, जे मेरी मरनी नहीं सी तो फिर मैनू, मैं कह जी चलो यदा बेहतरीन इलाज वे कि अगो थानू सदांगे भी ना, तुसी घर ही रवे अज। और मशवरा अगर किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, सुन ले मसला, तो बाप पाबंद नहीं अपने भाई से पूछने का, पाबंद नहीं बहन से मशवरा करने का, पाबंद कर ले तो उसकी अच्छी बात है, उसकी अपनी वो पाबंद
तो आप नाराज हैं, मुझे पूछा ही नहीं क्यों नाराज हुए आप, आपने जबरदस्ती मशवरा देना था। और फिर जब कोई मशवरा दे तो उसे आपने मशवरा देना है, मशवरा मांगे तो उसे मशवरा देना है। हुक्म कहते मेरी इतने मन्नी नहीं जाती, मैं चला जे वाकआउट करने लगा, मेरी कोई मानता ही नहीं, तो सलामा लेकर वो खुदा के बंदे आप हुक्म करें फिर मशवरा तो दे ही ना, फिर आप हुक्म करें। सुनो बुखारी पढ़ने लगा हूं, अगर ये हदीस आपकी समझ में आई तो आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारी अना परस्तियां, बहुत सारे जात के बुत टूट के गिर जाएंगे। मेरा ये दावा है अगर ये हदीस समझ में आए तो बहुत सारे बुत टूट जाएंगे, पाश पाश हो जाएंगे। कायनात में अगर कोई सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात है तो वो मेरे रसूल की जात है। और अल्लाह फरमाता है फला व रब्बी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमु कफीमा शजरा बैनहुम, हबीब जो तेरा हुक्म ना माने मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता, जो तेरी ना माने मैं उसे मानता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरी कोई ना माने, ये कैसे हो सकता है। एक गुलाम कनीजा बीबी थी, हजरत बरीरा नाम था। हुक्म ये था गुलाम के लिए, कनीज के लिए हुक्म ये था कि उसका आका अगर चाहता तो अपनी मर्जी से उसकी शादी कर सकता था, लेकिन जब वो आजाद हो जाती, जितने पैसे उसके आका ने दिए होते, अगर वो पैसे दे के बीबी आजाद हो जाती तो जहां वो चाहती थी दोबारा शादी कर सकती थी, उसका निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता था आजादी के बाद। अब चूंकि कनीजाएं लौंडियां नहीं रही, अब वो मसले भी वो उस तरह से शरीयत का हुक्म भी नहीं आता, क्योंकि वो लोग ही मौजूद नहीं रहे जिन पे हुक्म आता था। तो जनाबे बरीरा रदी अल्लाह ताला ना गुलाम थी, खास गौर करें, मैंने कहा ये पहलू समझ गए तो बड़े मसले हल होंगे। वो गुलाम थी, उनके आका ने हजरत मुगीस रदी अल्लाह ताला ना के साथ उनकी शादी कर दी, निकाह हो गया, रहने लगी। कुछ अरसे के बाद उनके आका ने कहा कि अब मेरा दिल करता है, तू नेक बड़ी है, मुसलमान भी हो गई, या मेरा दिल करता है कि मैं बगैर पैसों के तुझे आजाद कर दूं। अल्लाह ने फजल किया, बंदे के दिल में नरमी आई, उसने आजाद कर दिया। अब निकाह चाहे तो वो रखें चाहे तो वो ना रखें, ये हुक्म है शरीयत का। हजरत बरीरा कहने लगी मैंने निकाह नहीं रखना, छुट्टी, मैं किसी और जगह निकाह करूंगी। उनके खावंद नबी पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी बीवी रहना नहीं चाहती और मेरा उसके साथ जो वक्त गुजरा है बड़ा अच्छा गुजरा है, अब शरीयत इस्लामिया ने उसको आजाद कर दिया है, आप उससे कहें कि मेरे साथ वक्त गुजारे, मेरी कोई कमी है तो बताए, मैं इस्लाह कर लेता हूं, लेकिन मेरे साथ वक्त गुजारे, कुर्बान जाऊं मैं मदीने वाले महबूब तेरी जात पर, यहां तो मैं डट गया हूं, मेरी नहीं मानी, ओ मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं मानी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाया, पहली बात यह कि उस औरत की जो मजहबी हैसियत थी वो ये थी कि वो मेरे नबी पाक की कनीजा है, हुजूर हुक्म दे वो ना माने ये हो नहीं सकता। दूसरी हैसियत ये कि दुनियावी तौर पर भी कोई बड़ा मामला नहीं, वो कनीज है, जो दुनिया के उस वक्त माजअल्लाह मामलात बने हुए थे उनमें भी कोई बड़ा दर्जा नहीं। मेरे नबी पाक ने बुलाया और बुला के फरमाया तेरे खावंद की ख्वाहिश है कि तू उसके साथ रहे, तो तू अगर बेहतर समझे तो उसके साथ रह। वाह मासूम आमना तेरी अजमत, क्या शऊर दिया है हुजूर ने गुलामों को, वो आज तो इतनी आजादी है, इतने कालम है, इतना मीडिया है, फिर भी कौम को शऊर नहीं। ये है शऊर जो मेरे रसूल का आता फरमाया हुआ है। वो बीबी जो किसी के घर में बर्तन मांजती है, जो कपड़े धोती है, जो झाड़ू देती है, उस औरत को मेरे नबी ने इतना बाशऊर किया, वो खड़ी हुई हाथ बांधे का मदीने वाले महबूबा तो हुक्म दे मैं जान देने को भी तैयार हूं, या रसूल अल्लाह हुक्म करे मैं टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हूं। गोया कहती है हुजूर हुक्म मिल जाए तो मैं भूख काट के मजबूर रह के रातें जाग के खावंद की नौकरी करूंगी, पर सोनिया आपका दिया हुआ शऊर है, पहले मुझे ये बताएं ये मेरे लिए हुक्म है कि मशवरा है। सुनो 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 समझो, हद हो गई। दीन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान अपनी अना का बुत बना के सारी जिंदगी भाई से, बहन से, भांजे से, भतीजे से दूर हो गए। एक लौंडी कनीजा उठ के कहती है हुजूर अगर हुक्म है तो मैं सर तन दे देती हूं और अगर मशवरा है तो फिर भी मुझे बता दे। मेरे रसूल पाक ने बात सुनी तो हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, गोया हुजूर ने फरमाया मेरा दिया हुआ शऊर मेरी उम्मत में बेदार हो गया है। मेरे नबी पाक मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया ये तेरे लिए हुक्म नहीं,
ये मेरी सिफारिश है, मेरा मशवरा है, तू चाहे तो कबूल कर, चाहे तो और तोड़ दो बुतन आके, सुलह कर लो भाई के साथ, जाओ चाचे से जाके बगलगीर हो जाओ, जाओ जाके रिश्तेदारों को मनाओ, अना का बुत बना के बैठे हो, मेरी मानी नहीं तो मैं बिगड़ गया। मदीने वाले हबीब ने फरमाया मशवरा है, दिल करे तो मान, दिल करे तो ना मान। वो खड़ी हुई, खड़ी होकर अर्ज की, हुजूर फिर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। वाह मदीने वाले महबूब तेरे कुर्बान जाए। हजरत सैयदा फातिमा के बाबा ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, फरमाया जा फिर मैं दुआ करता हूँ, तू जहां भी रहे मेरा अल्लाह तुझे सुख अता फरमाए, जहां तेरे लिए दुआ है। तोड़ दो बुत तना के, तोड़ दो, छोड़ दो, ये जो अंदर बुत पाल रखे हैं, मैं जो सर ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, बुत पाला हुआ है, मुझे मेरी मानी नहीं तो ये जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ। जब मदीने वाले हबीब गुंजाइश देते हैं मशवरे की कि मेरा माना तब भी ठीक है, नहीं माना तो तेरी इज्जतें तेरे वकार नबी पाक से भी माज़ अल्लाह ऊपर चले गए हैं। तू बुत बना के बैठ गया, मशवरा दिया कर, हुक्म ना दिया कर। और मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, जो बरादरी के बुजुर्ग कहते हैं ना मेरी ना मानी तो मैं नाराज हूं, तो उनकी मिन्नत करें कि आप नाराज हो जाए, आपकी मेहरबानी, उनसे कहे हो जाए नाराज, बिस्मिल्लाह होना चाहिए आपको, इसलिए कि मशवरा लेना सुन्नत है, हुक्म लेना सुन्नत। हम हुक्म देते फिरते हैं, मुशावरत की दीन के अंदर बहुत बड़ी, और फिर कुर्बान जाए मेरे नबी पाक। बड़ा बाज लोग ऐसे होते हैं जिनसे मशवरा ले लेना चाहिए। एक हदीस मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि गुलामी की इससे बड़ी सनद कोई नहीं, इससे बड़ी डिग्री नहीं जो सनद मेरे नबी ने हजरत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई, इससे बड़ी गुलामी की सनद, इधर देखिएगा जरा खास तवज्जो कीजिए, इससे बड़ी गुलामी की सनद जो मेरे नबी ने दी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, हुजूर के पास हजरत उमर और जनाब अबू बकर बैठे थे, नबी पाक ने तवज्जो की, इससे बड़ी सनद कोई नहीं गुलामी की। मेरे करीम ने फरमाया अबू बकर उमर अगर किसी मशवरे पे तुम दोनों की राय एक हो जाए ना तो मुझे बता दिया करो, जो तुम्हारी राय होगी वही मेरी राय हो जाएगी, इससे बड़ी सनद कोई नहीं। अगर नबी पाक हजरत अबू बकर से मशवरा कर सकते हैं तो उस्ताद जी को भी चाहिए कभी कभी शागिर्द से मशवरा कर ले, अब्बा जी को भी चाहिए कभी कभी बेटे से मशवरा कर ले, कोई नहीं पीर साहब की विलायत में कमी आने लगी अगर कुछ मुरीदों से वो भी मशवरा, कोई नहीं विलायत की सनद से नीचे नहीं गिरने लगे, कर लेना चाहिए, करना चाहिए। मेरे हजरत मुझसे मशवरा करते थे, मैं अपने अपने दोस्तों से पीर भाइयों से मैं मुशावरत करता हूं, मुझे कई दफा कहते हैं जैसे जिवें थोड़ा दिल करे, मैं कह मेरा दिल है ये कि तुसी दसो, दिल करता है ना, फूल चमकते हैं जब आप किसी से मशवरा लेते हैं तो मतलब होता है कि आपका उस पर एतबार बढ़ा है, जब आप किसी से मशवरा लेते हैं, और उसको भी नबी पाक ने फरमाया है जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है, अगर सही मशवरा नहीं देगा तो अमानत में खयानत करे। तुझे जब मशवरा तुझसे लिया गया है तो तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, तुझ पे बहुत बड़ा एतमाद किया गया, तुझे कुछ समझा है, अब तूने इस एतमाद को जाया नहीं करना, तूने कहना है कि हाँ जो बात सही है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हम मशवरे नहीं देते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक राय का इजहार करते हैं और डरते नहीं अल्लाह से। मशवरा दें, अगर कोई कबूल कर ले तब भी ठीक है, ना करे तो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा सहाबा से मशवरे लिए, हजरत उमर कई दफा मशवरा देते थे तो नबी पाक फरमाते थे उमर तूने मशवरा नहीं दिया, तेरी जुबान पे तो हक जारी हो गया, हक जारी हो गया तेरी जुबान, जो हजरत उमर कह देते वही कुरान पाक की आयतें नाजल हो जाती। लेकिन वही हजरत उमर है जिनके मशवरे कई जगह पे मेरे नबी पाक ने कबूल नहीं फरमाए, किन के जी जलाली थे कि नहीं, मेरा ख्याल है वॉकआउट कर गए होंगे कि मैंने आज के बाद आना ही नहीं जी, मैंने अगे ना लाया तो फिर मैं बिल्कुल फारग जी, कैसी फजूल बात है, तेरा रिश्ता ही नहीं मजबूत, पता ही नहीं तुझे, ये तूने कैसी बात कर दी। गुलाम गुलाम होते हैं, वो अस बोले तो वो मेहरबानी, नहीं तो असा तो लाड ही लड़ाने, गुलाम गुलाम होता है, उससे मशवरा ले लिया जाए तब भी ठीक है, ना लिया जाए तो तब भी ठीक है, गुलाम गुलाम रहता। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम अलैहि सलाम ने मीटिंग बुलाई, बुलाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदर के कैदी हैं काफर, 70 के करीब कैदी हैं, गुलामों बताओ क्या करें।
इन कैदियों के साथ क्या करें, मशवरा होने लगा। हजरत उमर साहिब राय आदमी थे, समझदार, दानश्वार, अकलमंद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ क्या करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ करने लगे, हुजूर बेहतर तो आप ही ज्यादा समझते हैं, पूछा है तो बता देता हूं। इन्होंने आपको बड़ा सताया, आपके रस्ते में कांटे बिछाए, आप पे पत्थर बरसाए, आपके बच्चों तक को तकलीफ दी। आज ये हमारे काबू आए हैं तो हुजूर इन्हें छोड़ना नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिश्तेदार मेरे कब्जे में दें जो कैदी बन के आए, मेरे कब्जे में मेरे रिश्तेदार दें, मैं गर्दन मारूंगा। अबू बकर के अबू बकर को दे, ये टुकड़े टुकड़े करेगा। उस्मान के उस्मान कत्ल करे, अली के अली कत्ल करे। ये मशवरा है जनाबे उमर का। नबी पाक मशवरा सुनते रहे और जनाबे उमर का चेहरा देखते रहे। और मेरे करीम रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब अबू बकर मशवरा देगा। अब अबू बकर सिद्दीक मशवरा देंगे, सुन ली बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला उन्होंने मशवरा दिया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही फरमाया करते हैं, चलो ये नहीं मानेंगे तो इनकी नस्लें मान जाएंगी, मानना तो पड़ेगा, करीम को मानना तो। हुजूर आप फरमाया करते हैं इनकी नस्लें मान जाएंगी। हुजूर ने फरमाया तू बात कर, अर्ज की हुजूर मैं गुलाम हूं, हुक्म का पाबंद हूं, पर मेरी राय यह है इन्हें कत्ल ना किया जाए, इनसे फिदिया ले लिया जाए। जो अमीर है उनसे फिदिया ले लो, जो गरीब है और लिखना पढ़ना जानते हैं उनसे कहो कि मुसलमानों को 10-10 बच्चों को वो रियाजी की कुछ चीजें सिखा दें, हिसाब किताब सिखा दें, तो उनको आजाद कर दिया जाए। हुजूर कत्ल करना, मार देना आपकी तालीमात का ये हिस्सा नहीं। मेरे रसूल पाक ने चेहरा देखा और हुजूर देखते ही मुस्कुराते रहे। अब मेरे नबी पाक ने फैसला फरमाया, फरमाया मैं वो बात कबूल करता हूं जो मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कही है, वो बात मानूंगा जो मेरे अबू बकर। जनाबे उमर ने वॉकआउट नहीं किया, हजरत उमर उठ के नहीं गए कि मेरी तो मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। कई जगह हुजूर कहते चल उमर चुप कर, तेरी सुन ली है, हजरत उमर चुप कर जाते। मशवरा जब आपका रिजेक्ट होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल वॉकआउट कर दें, मेरी मानी नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों था। मुशावरत का मतलब है कि आपकी बात अगर ठीक थी तो मान ली गई, नहीं ठीक थी तो ना मानी गई। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे का, हजरत उमर ने खुद मजलिस शूरा बनाई, मजलिस शूरा, मशवरा करने वाली मजलिस। कुरान में सूरत शूरा है, पूरी सूरत ही मशवरे की सूरत। हजरत उमर का जब इंतकाल होने लगा तो बहुत बड़े जहीन थे, अकलमंद थे, चाहते तो किसी भी शख्स को पकड़ के खलीफा बना देते। हजरत उस्मान गनी जैसे बावकार शख्सियत मौजूद थी, मौलाए कायनात शेरे खुदा जैसे लोग मौजूद थे, पर हजरत उमर ने फरमाया नहीं, मैं उम्मत को शूरा के हवाले करता हूं, मशवरे से अमीर बनाओ, मशवरे से। छह रुकनी शूरा, ये छह सहाबा जिसको चाहे अमीर बना दे। तो लोगों ने पूछा कि मेरिट क्या है, शूरा का मेरिट क्या है, बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर शूरा बनी। मालदार लोग हैं, सियासत को समझते हैं, आलमी हालात पर नजर है, बुनियाद क्या है। हमारे मुल्क में जितनी भी पार्टियां इस वक्त काम कर रही हैं, वो कोई आए या कोई जाए, इनकी बुनियाद दीन नहीं। और जब बुनियाद दीन नहीं होता तो फिर मामला कुरान और सुन्नत के मुताबिक रख लो। इनकी बुनियाद मजहब नहीं, बुनियाद दीन नहीं। अगर मुमताज कादरी को कत्ल करने वालों को सजा मिलेगी तो उन्हें भी मिलेगी जिन्होंने कहा था तुमने कातिल को हीरो बना दिया। वो खुशियां ना मनाए जिन्होंने कहा था, अगर कत्ल करने वालों को सजा मिल रही है तो जिसने कहा था कि तुमने कातिल को हीरो बना दिया है वो भी सजा से बच सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में अगर तुम्हारा मौकफ दुरुस्त नहीं तो जिंदगी में तुम कभी वकार हासिल याद रख ले। मैंने एक जुमला कह के सारी बात समेट दी है, एक जुमले में हर शह समेटने की कोशिश की है। जो भी नबी पाक की शरीयत का झंडा लेके, ये अगस्त का महीना है ना, किसी एक ने भी नारा लगाया, एक जमात ने, एक एंकर पर्सन ने भी पाकिस्तान का मतलब क्या लगाया किसी ने नारा आज तक, ये तो भूल गए। अगर जमहूरियत के ठेडे खाने के लिए पाकिस्तान बनाना था तो हिंदुस्तान में तो जमहूरियत तुमसे ज्यादा मजबूत है। आज तक फौजी डिक्टेटर नहीं आया, ये तमाशा ना लगाओ। और वो और होंगे जो तुम्हारी मदारी गरी के काबू आएंगे, कोई एंकर कोई बोल रहा है, कोई एंकर कोई और बोल रहा है। हमें जो नारा मोहम्मद अली जिना ने दिया है
और हमें जो नारा अल्लामा इकबाल ने दिया है वो नारा ये है कि अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। ये डॉक्टर इकबाल का नारा है जिसका तर्जमा यह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हम उस शख्स को मानेंगे जो कहेगा कि जब मैं तख्त पे बैठूंगा तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसला करूंगा। हम उस शख्स के पीछे चलेंगे, दावे से कह रहा हूं, जो कहेगा जब मैं तख्त पे बैठूंगा तो मोहम्मद के फरमान के मुताबिक चलूंगा। बाकी ना जमहूरियत चाहिए ना डिक्टेटर चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह का दीन चाहिए। बात खत्म हो गई। इसलिए ना कोई जश्न मनाए ना कोई किसी और चक्कर में जाए। हमें खुशी है इस बात की कि जो लोग रसूलुल्लाह की नामूस की बात नहीं करते बहरहाल रुसवा हो जाया करते, बहरहाल रुसवा होते हैं। तो वो नहीं बचे तो जिन्होंने कातल कहा था बच सकते वो भी नहीं। ये भी याद रखें, ये भी बड़ी मजबूत बात है, इसको भी पेशे नजर रखें। बहरहाल ये बरसबीले तज़करा बात आ गई तो मैंने कर दी, असल बात पे रहता हूं। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हजरत उमर ने शूरा कायम फरमाई। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला ने मशवरे के कायल थे, फरमाया मशवरे से खलीफा बने। और फिर हजरत उमर ने मुशीर रखे हुए थे, बड़े साहिबुर राय थे पर मशवरे से चलते थे। एक औरत सियाबा ने सही पूरी बात ना समझाई, इल्जाम लगा कि ये औरत इसने बदकारी की है। औरत थोड़ी सी ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी, अब नॉर्मल थी, मेंटल केस था। उस औरत को दौरे पड़ते थे, नफ्सियाती तौर पर मजबूत नहीं थी। हजरत उमर की अदालत में मुकदमा आया, जनाब उमर ने फैसला दिया। फैसला दे के कहा कि इसको ले जाओ संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। सियाबयात ने गिरफ्तार किया हुआ है या सियाबा ने बाहर ले जा रहे हैं। बाहर निकले चौक में तो मौला अली शेर खुदा से मुलाकात हो गई। कहां लेके जा रहे हो? कहा इसने जिना किया, बदकारी हो गई, माज़ अल्लाह तो हम इसे कत्ल करेंगे। हजरत उमर का फैसला है। फरमाया उमर को क्या हो गया? वो उमर जिनके सामने मक्खी पर नहीं हिला सकती, जिनके सामने जानवर भी चुप रहते। हजरत अली आए और कहने लगे उमर तुम्हें क्या हो गया है, मशवरा तो कर लिया करो। काली क्या हुआ? कहा तुम्हें पता है इस औरत की ज़हनी हालत का? कहा हुजूर नहीं मुझे नहीं पता। फरमाया पहले पूछना चाहिए था ना तुम्हें कि तंदुरुस्त है अभी के नहीं। कहा क्या हुआ? फरमाने लगे तुम्हें इन्होंने सही बताया नहीं, या गाइड नहीं किया, या बाज रिवायात के अंदर तुमने पूछा नहीं। ये तो अब नॉर्मल है, नफ्सियाती मरीज है, इस पर तो शरीयत का हुक्म ही नहीं आता। पागल औरत पागल मर्द अगर कोई ऐसा जुर्म करेगा तो यह सजा उसकी है ही नहीं, क्या कर रहे हो? हजरत उमर ने नहीं कहा कि हुकूमत मेरी है कि तुम्हारी है, फैसला मैंने किया है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मशवरा मिला। जनाबे फारूक आदम उठ के जमीन पे उतरे, काबे के जाने मुंह किया, दो नफल पड़े, सर सजदे में रख के कहने लगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर जनाब उमर ने मशवरे की अहमियत को बयान किया, फरमाया आज अगर अली मेरा मुशीर ना होता, देखो मोहब्बत जनाब उमर और मौला अली की, कहां तुमने दीन पड़ा है जो सहाबा को ही लड़ा दिया तुमने जालमो। सुनो मौला अली और हजरत उमर की मोहब्बत। हजरत उमर फरमाने लगे आज अगर अली मेरा मुशीर ना होता तो उमर तो हलाक हो जाता, उमर तो हलाक हो जाता ये मेरा मुशीर ना होता। अल्लाह करे किसी का कोई अच्छा मुशीर बन जाए, अल्लाह करे हमें अच्छे मुशीर मिल जाए, अल्लाह करे कोई हमें मिले जो हमें बताए कि तेरा नफा क्या है, तेरा नुकसान क्या, इधर ना जाना इधर जाना। अल्लाह करे कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे हम अच्छे लोगों को मुशीर बनाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते, मशवरा देते, मशवरे को पसंद करते। बदर के मैदान में हुजूर ने खैमा लगाया, एक गरीब सहाबी जनाब खुबैब बोले हुजूर अल्लाह के हुक्म से लगाया है या जंगी तदबीर है? फरमाया तू बात कर। का हुजूर जहां आपने ठहरने का हुक्म दिया अल्लाह का हुक्म है या जंगी तदबीर है? हुजूर ने फरमाया नहीं जंगी तदबीर है। का सोनिया मैं छोटा मुंह बड़ी बात गुजारिश कर दू? मैं करो। का हुजूर वो जगह मुझे सही लग रही है, वो जगह। हुजूर ने फरमाया उठाओ खैमे, ये गुलाम सच कह रहा है, चलो वहीं चलते हैं, किसी की शान में कोई कमी। मशवरा पसंद किया मेरे नबी पाक। खंदक का मौका था, नबी पाक ने फैसला किया अंदर रह के लड़ना है। अंदर रह के किस तरह लड़े? पहाड़ों के अंदर रह के लड़े
क्या तरतीब करें। जनाब अबू बकर ने मशवरा दिया, मेरे हबीब ने फरमाया चलो ठीक है तुम्हारा मशवरा। हजरत उमर बोले फरमाया सही हो गया। उस्मान गनी बोले फरमाया सही है। मौला अली अबू उबादा बिन जर्राह जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह इब्ने उमर हुजूर के चचाओं ने सबके मशवरे। पीछे से गुलाम बोले जनाब सलमान फारसी। गुलाम बोले पीछे से गुलाम पीछे बैठे हैं दब के। हुजूर गुजारिश करूं? फरमाया तेरी बारी आ गई है बोल। कहा या रसूलल्लाह अगर बेहतर समझे तो खंदक ना खोदे। चौड़ी खंदक खोदते हैं उसमें आग जलाते हैं, घोड़ा खंदक फलांगना भी चाहे तो फलांग ना सके, अंदर रह के दिफाई जंग लड़ते हैं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया आज किसी का मशवरा कबूल नहीं होगा, मेरे सलमान का मशवरा कबूल होगा। आज सलमान फारसी का मशवरा कबूल होगा, मैं तेरे मशवरे पे खो दूंगा। उमर अबू बकर अली उस्मान किसी ने गलत मशवरा नहीं दिया, गलत मशवरे का कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हुजूर ने आज किसका कबूल फरमाया? हजरत सलमान फारसी का। अब वो क्या कहते लो जी सियाने सियाने बंदों की बात ही नहीं मानी, इनकी मान ली। नाराज नहीं हुए बल्कि मेरे नबी पाक ने फरमाया खंदक खोदी जाएगी। हजरत अबू बकर ने भी उठ के कुदाल पकड़ ली, दूसरे सहाबी ने भी कुदाल पकड़ ली, कई पकड़ ली, औजार पकड़ लिए, खंदक खोदने लगे। सारा सारा दिन खंदक खोदी, सारा सारा दिन जद्दोजहद की। खुद रसूले पाक भी मैदान में उतरे, नबी पाक ने भी खंदक खोदी। सहाबा ने कहा हुजूर खोद रहे हैं, हमारे पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने कुर्ता उठाया पर मैं तुमने एक बांधा है, मैंने दो बांधे हुए हैं। खोदो खंदक। सब ने खंदक खोदी, उसमें रहे। लगाया किसने इस काम पे? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला ने मशवरा लें, मशवरा कबूल करें, मशवरे के मुताबिक जिंदगी गुजारें, किसी साहिब राय के पास बैठें, उससे राय। नौजवान क्या करते हैं? उन्होंने जवान दोस्त बनाए होते हैं, वो जवानों से मशवरा लेते हैं, और मशवरा लेते हैं तो नुकसान उठाते हैं। ये एक पहलू है, बयान करना जरूरी है। यार अब्बा जी ना मेरे, मैंने पैसे कमाए हैं, सारी जिंदगी बाहर गुजारी है, अम्मा और अब्बा रोज नया खर्चा बताते हैं, इनको क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब दोस्त क्या कहता है? वो कहता है यार मैं तो बड़ी देर से तुझे कहना चाह रहा था कि अपना जेब अपनी सही कर, बहन भाई नहीं पूछते कल को, तो वालद साहब ने तो कहना ही है तू अपनी जेब साइड पे रख। बा ठीक है, जितना सारे यहां तो अब्बा जी का ऑपरेशन हो तो बच्चे पैसे डाल के कराते हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है अब्बा जी का ऑपरेशन है, 5-5 हजार डाले सारे बहन भाई। अल्लाहू अकबर। कभी अब्बा जी से तो पूछ, तुम 11 बहन भाई थे लेकिन उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, अगर 11 की इकट्ठी फीस आई तो अकेले अब्बे ने अदा की, अकेले वाले और पर्चियां डाल रही है, इतने इतने पैसे डालो अब्बा जी को उमरे पे भेजना है। अल्लाह अकबर। क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या सोच है, क्या तुम्हारा अंदाज है, ये तरीका होगा आप कौम का?